माँ अम्बा की इस हृदय स्थली पर न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवता भी खींच चले आए थे। कहते हैं कभी पूर्णता की खोज में इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। तो चलिए चलते हैं यहाँ स्थित मानसरोवर की ओर। माँ अम्बा को नारायणी भी कहा जाता है। माँ अम्बा स्वयं नारायण की शक्ति है। इस धरती पर जब जब नारायण ने अवतार लिया है, किसी ना किसी रूप में माँ से उनका मिलन अवश्य हुआ है। मान्यताएं कहती हैं कि यही मानसरोवर के तट पर यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। यह परंपरा आज भी कायम है। कई श्रद्धालु अपने बाल गोपालों का मुंडन संस्कार यहीं करवाते हैं। इस पवित्र सरोवर के दो किनारों पर दो मंदिर हैं, एक देवाधिदेव महादेव का और दूसरा अजय माता का। कहते हैं सीता हरण के बाद भगवान राम एवं लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे थे। श्रृंगी ऋषि ने भगवान राम को गब्बर पर्वत पर विराजमान मां अम्बा की आराधना कर उनके आशीर्वाद लेने को कहा था। भगवान श्री राम ने इसी भूमि पर मां अम्बा की आराधना की। तत्पश्चात मां अम्बा से उन्हें अजय नामक शस्त्र प्राप्त हुआ। उसी शस्त्र से श्री राम ने रावण का संहार किया था। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। मानसरोवर में श्रद्धालु पवित्र स्नान भी करते हैं। अम्बाजी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गब्बर पर्वत। 999 सीढ़ियां चढ़कर भक्त पहुंचते हैं दर्शन के लिए मां की दिव्य ज्योत के। लोगों के लिए यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। माँ के दर्शन को जाने का ये है आधुनिक विकल्प। तो चलिए बैठते हैं इस उड़न खटोले में और जाते हैं गब्बर पर। माँ अम्बा माँ जगदम्बा का स्थान है गब्बर। गब्बर पर्वत पर माँ अम्बा का प्राचीन मंदिर स्थापित है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ अम्बा की अखंड ज्योत इस मंदिर में सदियों से प्रज्वलित है। गब्बर पर्वत पर इस गोख में माँ अम्बा ज्योत स्वरूप में विराजमान है। इस पवित्र दिव्य ज्योत के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं। श्रद्धालुओं को इस ज्योत पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के साथ हजारों माई भक्त हर रोज यहाँ शीश झुकाते हैं। इस अखंड ज्योत के दर्शन कर भक्त भाव विभोर होते हैं। इस दिव्य ज्योत के दर्शन के बिना अंबाजी की यात्रा अधूरी रहती है। गब्बर पर्वत पर माँ के पद चिन्ह बने हुए हैं। लोग यहाँ शीश झुकाने आते हैं। पद चिन्ह के साथ साथ यहाँ माँ के रथ चिन्ह भी बने हुए हैं।
चूड़ामणि में कहा गया है कि माँ का हृदय यहीं गब्बर पर्वत पर गिरा था। भक्तगण गब्बर की परिक्रमा करते हैं और माँ की अखंड दिव्य ज्योत के दर्शन करते हैं। भक्त जैसे माँ से कहता है, मैं तो तेरे रास्ते पे आँख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा। माँ का हर रूप मंगलमय है। उनका तेज 51 शक्तिपीठों में महसूस किया जाता है। यह 51 शक्तिपीठ देश के 17 राज्य और विदेशों में स्थित है। प्रत्येक शक्तिपीठ के दर्शन करना माई भक्त की मनोकामना होती है। अगर सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना माई भक्त के लिए संभव नहीं है, तो यह मनोकामना एक ही स्थल पर पूर्ण हो सकती है और वह स्थल है गब्बर अम्बाजी। तो आइए पूर्ण करते हैं 51 शक्तिपीठों के दर्शन की मनोकामना। इस पावन धाम में 51 शक्तिपीठों की प्रतिकृतियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। गब्बर की तलेटी में 3 किलोमीटर की परिक्रमा में इन शक्तिपीठों का निर्माण किया गया है। माई भक्त यहां आकर 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा करते हैं। एक ही स्थान पर 51 शक्तिपीठों के दर्शन भक्तों के लिए घर आई गंगा के समान है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी के चरण ही हमारी शरण है। यहाँ सब सुख है, यहाँ सब मंगल है। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग, उन्होंने पहने हुए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। जैसे अग्नि और उसके तेज में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही देवी और उनके शक्ति रूप एक ही है। यहाँ प्रत्येक शक्तिपीठ में पूजन अर्चन मूल शक्तिपीठ की शैली एवं परंपराओं के साथ किया जाता है। यहाँ के पुजारियों को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है। अम्बाजी मंदिर ट्रस्ट ने सभी शक्तिपीठों में पुजारियों को भेज कर शक्तिपीठ की पूजा शैली का 1 माह का प्रशिक्षण दिलवाया है। प्रशिक्षित पुजारी प्रत्येक शक्तिपीठ में वही पारंपरिक शैली से पूजा अर्चना करते हैं।
जी परम शक्ति स्थान है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। भोलेनाथ परम ब्रह्म है और देवी ब्रह्म स्वरूपिणी यानी ब्रह्म का स्वरूप। शिव जब शक्ति से मिलते हैं तभी सृष्टि पूर्ण होती है। इस देव भूमि पर भगवान शंकर कोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। अंबाजी से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। भोलेनाथ के इस धाम को अमृत धारा सरस्वती का उद्गम भी माना जाता है। कहते हैं जहाँ शिव शिवा और सरस्वती मिल जाएं, वहीं धरती का स्वर्ग है। भगवान शिव मुक्ति के सागर हैं। शिव का नाम लेने से ही आत्मा हर बंधन से मुक्त हो जाती है। शिव के दर्शन परम सौभाग्य है। अंबाजी में हर साल लाखों माई भक्त आते हैं। उनके रुकने के लिए विभिन्न धर्मशालाएं एवं होटल्स उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के हिसाब से होटल या धर्मशाला पसंद कर सकते हैं। माँ अम्बा के दरबार में शीश झुकाने आए हुए यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। यात्री धर्मशालाओं में एवं होटल्स में ठहर सकते हैं। यहाँ पर्याप्त सुविधाओं के साथ धर्मशालाएं एवं आधुनिक सुविधाओं के साथ होटल्स भी उपलब्ध हैं। मंदिर भोजनालय के अलावा अंबाजी धाम में रेस्टोरेंट्स में भी खाने पीने और भोजन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह पूरा प्रदेश संगमरमर की कलात्मक कृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बने भगवान के मंदिर और भगवान की मूर्तियों की देश विदेश में बहुत मांग है। इस प्रदेश में नवीनतम तकनीक एवं औजारों से संगमरमर की मनमोहक मूर्तियां बनाई जाती हैं। साथ साथ मूर्तियों में हस्तकला का भी अनोखा महात्म्य है। यहाँ मूर्तियों का काफी बड़ा कारोबार है। साथ साथ ग्राहक के ऑर्डर पर भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। आज की जेनरेशन भी इस कला को जीवंत रखने के लिए प्रतिबद्ध है।